आइकिया फर्नीचर का नाम आपने सुना है ना? आइकिया फर्नीचर का नाम आपने सुना है? ये वर्ल्ड का एक फर्नीचर ब्रांड है। इसका सप्लाई चेन में एक सिस्टम बहुत पॉपुलर है जिसका नाम इन्होंने दिया है कॉस्ट पर टच इन्वेंटरी सिस्टम। इनका कहना है कि जितना आदमी इन्वॉल्व होगा उतना टच होगा, जितना टच होगा, टच पॉइंट्स जितने होंगे, टच माने जितना टच पॉइंट्स होंगे, जितना बार हाथ लगेगा मेरा प्रोडक्ट को जितना आदमी के थ्रू, उतना मेरा कॉस्ट बढ़ेगा। तो मेरा प्रोडक्ट का कॉस्ट बढ़ेगा तो मेरे को हाई प्राइस पे बेचना पड़ेगा, कस्टमर को हाई प्राइस पसंद नहीं है, मेरे को अफोर्डेबल प्राइस पे प्रीमियम चीज देना है, मेरे पास कस्टमर इसीलिए आते हैं, इसलिए आई विल मेक सच सप्लाई चेन सिस्टम विच विल हैव लेसर टच बाय द पर्सोनेल सो दैट टोटल कॉस्ट ऑफ मेंटेनिंग द इन्वेंटरी इज लेसर। मतलब आदमी कम रखो, मतलब आदमी कम रखो तो फिर काम कौन करेगा? लेट कस्टमर डू ऑल द जॉब। इस तरह का स्टोर डिजाइन करो कि आदमी कम रहे। जैसे ट्रेडिशनली क्या होता है ना, वेयर हाउस होता है या पहले फैक्ट्री होता है, फिर वेयर हाउस होता है, फिर आपका रिटेल स्टोर होता है। तो फैक्ट्री से वेयर हाउस लाना, आदमी लाएगा, गाड़ी चला के लाएगा, जैसे भी वेयर हाउस से लाना। तो आइकिया ने एक चीज बहुत अच्छा किया, बोले वेयर हाउस हम अपने सिस्टम में नहीं रखेंगे, अपना रिटेल स्टोर को इतना बड़ा बनाएंगे कि इट विल बी वेयर हाउस कम रिटेल स्टोर। क्या होगा? वेयर हाउस कम रिटेल स्टोर। तो उन्होंने ऐसा चालू किया, बट ऐसा नहीं कि वो आइकिया ही करता है, तो सबको ये सब ज्ञान ले लेते हैं ना। अभी जैसे आपने अपने शहर में कहीं देखा होगा मेट्रो कैश एंड कैरी, यही कॉन्सेप्ट से चला रहा है। तो क्या होता है, यहाँ पे अगर एक बड़ा स्टोर है मान लीजिए, तो उस स्टोर में हाइट ज्यादा बनाते हैं, वेयर हाउस में जैसे हाइट ज्यादा होता है ना कि ऊपर ऊपर ज्यादा रख सके, तो हाइट ज्यादा बनाते हैं। नॉर्मल रिटेल स्टोर का जो हाइट होता है उससे ज्यादा हाइट, जैसे शॉपर स्टॉप में जो हाइट होगा उससे ज्यादा हाइट आपको इन सब का स्टोर में मिलेगा। हाइट ज्यादा बनाने का कारण क्या है, ये लोग ऐसा बनाते हैं, कस्टमर रैक्स यहां तक है, यहां तक रैक्स है जहां पे कस्टमर एक्सेस करके गुड्स ले जाएगा, ठीक है, और उसी रैक के ऊपर उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का स्टोरेज बना दिया, यही वेयर हाउस हो गया हाइट्स। कोशिश करते हैं कि उसी प्रोडक्ट के आसपास रहे जितना हो सके, वेयर हाउस कम रिटेल स्टोर। तो यहां से यहां ले जाने का खर्चा खत्म, बस उतारने का खर्चा रह गया। उतारने के लिए ऐसा ऐसा एपरेटस बना दिया, ऐसा ऐसा इक्विपमेंट्स बना दिया कि अगर कस्टमर चाहे ना तो वो भी ऊपर से नीचे उतार सकता है। इवन इफ कस्टमर वांट्स, अगर उसको असिस्टेंस चाहिए वो अलग बात है, कस्टमर चाहे तो इट कैन ब्रिंग इट डाउन, वो अपने आप वेयर हाउस से रैक के लेवल पे ला सकता है। ऐसा सिस्टम बना दिया कि अगर कोई चीज रैक में खत्म हो गया है तो वेयर हाउस से उठा। और इंटरेस्टिंगली ये बात कोई कमोडिटी की नहीं हो रही है, फर्नीचर की हो रही है। फर्नीचर्स ऐसे बनाए, इस तरह से उसको इंटेलिजेंटली पैकेज किया, ऐसा उसको नॉकडाउन कंडीशन में पैक करके रखा, डिसमेंटल कंडीशन में, कि वो कोई भी उतार सकता है, वो कोई भी खुद से उसको घर ले जाके असेंबल कर सकता है। अब हम जाके असेंबल करेंगे या मेरा आदमी फैक्ट्री में असेंबल करके रखेगा, जैसे बहुत सारा फर्नीचर स्टोर में जाइए असेंबल्ड फर्नीचर दिखता है, तो असेंबल किया है ना किसी ने, उसका कॉस्ट लग रहा है, तो असेंबल हमारा आदमी करेगा ही नहीं,
आप खुद कर लो, इतना इजी टू असेंबल बनाया हमने, उसका कॉस्ट बचा, प्राइस रिड्यूस कर देंगे। वेयर हाउस हमारा है ही नहीं, ऊपर ही वेयर हाउस है, मूव हम करेंगे ही नहीं, आप ऊपर से नीचे खुद उतार लो, कॉस्ट सेव हुआ, आपको दे दिया, प्राइस कम। बिलिंग करने के लिए लेके जाना है बिलिंग काउंटर तक, खुद लेके जाओ, कस्टमर टू मूव एवरीथिंग। कस्टमर को अच्छा भी लगता है, चल कुछ नया करने को मिला, ठीक है, और उसका बेनिफिट मिल रहा है ना, प्रीमियम चीज सस्ता दाम पे मिल रहा है। कस्टमर टू मूव, कस्टमर टू टेक डिलीवरी, डिलीवरी टू कस्टमर होगा ना, कस्टमर अपने आप ले जाओ। अगर आप मेरे से ले जाओगे तो फिर मेरा कॉस्ट बढ़ जाएगा, मैं आपसे प्राइस लूंगा, कस्टमर आप ही डिलीवरी ले जाओ। कस्टमर टू इंस्टॉल, डिलीवरी के बाद इंस्टॉलेशन होगा, साहब आप खुद कर लो ना, ट्यूटोरियल्स है, सपोर्ट सेंटर है, उसका हेल्प ले लो ना। इजी टू इंस्टॉल बनाया है, इजी टू असेंबल बनाया है, इंस्टॉल या असेंबल बोल सकते हो आप, कि कोई भी खुद भी कर सकते, अपने आप करो, असेंबल भी खुद करो, तो कॉस्ट बच जाएगा और आपको बेनिफिट मिल जाएगा। मतलब हम लोग का टच नहीं रहेगा, वी वॉन्ट टच, कस्टमर टच करे, उसका कॉस्ट बढ़े, उसका टाइम लगे, उसको बेनिफिट मिले, पास द सेविंग्स टू द कस्टमर, लेस हैंड्स लेस कॉस्ट, पुट प्रोडक्ट्स इन इजी टू असेंबल कंडीशन, इजी टू असेंबल कंडीशन, इन्वॉल्व लेसर पर्सन्स टू मूव एन इन्वेंट्री, इक्विपमेंट्स दे दो, गिव, मतलब ट्रॉलीज रहते हैं ना जैसे, वैसे आप फर्नीचर मूव करने के लिए भी कुछ इक्विपमेंट्स दे दो ना, उनको ट्रॉलीज दे दो। कस्टमर कैन सिलेक्ट एंड मूव प्रोडक्ट विद इन द स्टोर्स, कस्टमर कैन पिकअप फॉर डिलीवरी, कस्टमर टू डू इंस्टॉलेशन, तुम ही इंस्टॉल कर लो भाई, तो मेरा जो पैसा बचा मैं तुम्हें दे दूंगा, पास कॉस्ट सेविंग्स टू द कस्टमर। जैसे कभी किसी क्वेश्चन में लिखने आ जाए कि कंपनी चैलेंज फेस कर रहा है कि कॉस्ट रिड्यूस कैसे करें, तो आप ऐसा एडवाइस दे सकते हो। आइकिया का नाम नहीं लिखना है, आपको मॉडल समझाना है, उस कंपनी को ये यूज करना है, आप ये नहीं बोलेंगे कि आइकिया ऐसा यूज कर रहा है। इसके ऊपर भी हमारे पास क्वेश्चन है जो अभी हाल में आया है, इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम क्वेश्चन नंबर 4, केस स्टडी डाइजेस्ट, उसको भी आपको पढ़ना है। ऑलराइट गाइस, आई होप फंडा इज क्लियर। अगर इंटरेस्ट आया तो गूगल करिए, थोड़ा और पढ़िए,